हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? तो दोस्तों, शेयर मार्केट फॉर वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक। दोस्तों, आज का डेट आप सोचिए, आज का डेट कौन सा है? तो आप थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत हमें बता देंगे कि आज है 10 जून 2021, दिन थर्सडे, गुरुवार, 10 जून, राइट? सो दोस्तों, आज का दिन एक बहुत बड़ा इवेंट है, आपको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, और डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये रखेंगे यस बैंक के लिए। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा आगे इस तरह की फर्दर वीडियो बनाने का। विदाउट आपके मोटिवेशन के, आपके सपोर्ट के, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज मुझे एक सब्सक्रिप्शन देके जो है मुझे मोटिवेट कीजिए, थैंक यू। अब दोस्तों, हम चलते हैं उस न्यूज पे। उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। सो दोस्तों, कल की डेट में क्या हुआ था कि 14 रुपए 15 पैसे में, देख रहे हैं, यस बैंक लिमिटेड आपको दिख रहा होगा, 14 रुपए 15 पैसे के आसपास में इसकी क्लोजिंग हुई थी, राइट? तो थोड़ा सा कल की डेट में गिर गया था, राइट? वो क्यों गिरावट हुई ये भी हम डिटेल में बताएंगे। प्रीवियस क्लोज 14.75 की हुई थी, उसके पहले थोड़ा ऊपर 15 रुपए 5 पैसे का गया था। आपको मालूम होगा, अगर आप यस बैंक के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो आपको पूरी चीजें अपडेट होगी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा बैकग्राउंड। ओपन हुआ 14.85 पे, हाई बनाया 15.05 का। तो दोस्तों देखिए, सेलर 5 लाख सेलर्स लगे हुए हैं, राइट? वॉल्यूम बहुत तगड़ा वॉल्यूम हुआ था कल ट्रेड में, देखिए 22 करोड़ 47 लाख का वॉल्यूम था, 7 करोड़ डिलीवरी उठाई गई, लगभग 35% की डिलीवरी, राइट? सो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो आपको ये आइडिया मिल गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 3 जून के पहले से, 3 जून ये दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम का चार्ट है पूरा। पहले 8 करोड़, 2 जून को 7 करोड़, 1 जून को 5 करोड़, 31 मई को 6 करोड़, मतलब 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, ऐसे ही वॉल्यूम हुआ करता था। लेकिन पिछले 3 दिनों से दोस्तों, चाहे वो 7 जून, 8 जून, 9 जून, 9 जून को 22 करोड़, 8 जून को 28 करोड़, 56 करोड़, राइट? बहुत बड़ा ये चीजें दर्शाता है कि जो इवेंट होने वाला है, कौन सा इवेंट? आज की डेट में 10 जून 2021, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी इसमें खरीदारी चल रही है। शेयर भले ही नीचे आपको आया हो, राइट, शेयर आपको नीचे आया हो, कल की डेट में थोड़ा मार्केट भी डाउन हो गया था, और यस बैंक में भी अचानक से गिरावट आ गई। बट ये आज के इवेंट का, इस गिरावट से आप ये मत डरिएगा गिर गया, आज का इवेंट का ये वेट कर रहा था असली मूवमेंट। आज का इवेंट में भी, अगर जो बोर्ड मीटिंग है वो आने वाली है, बोर्ड मीटिंग किस तरह की मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आज मान के चलिए यस बैंक का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन हो जाता है, मीटिंग में फ्रूटफुली कुछ अच्छा सा डिसीजन आ जाता है, राइट? और अच्छा सा डिसीजन क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो प्राइस है 14, ये इतिहास बन जाएगा। अब सीधा सीधा दोस्तों चलते हैं, वो कौन सी न्यूज है? तो दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ बीएससी की साइट पे। बीएससी ने जो है साइट पे यस बैंक ने, राइट, 7 जून को इन्फॉर्म करके बताया था कि वो कुछ करने जा रहा है। अब वो करने जाएगा, पूरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका लेटर दिख गया होगा, राइट? ऑलरेडी ये सब आप देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए, यस बैंक ने नोटिस देके बताया हुआ था कि नोटिस हियर बाय गिवन दैट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यस बैंक, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, और भी कॉर्पोरेट हेड हैं, राइट, चेयरमैन साहब हैं, सबका एक मीटिंग होनी है। कब की डेट में मीटिंग होनी है? 10 जून 2021। 10 जून 2021 कब है? वो आज का दिन है, अभी 10 बजे से, अभी सभी के लगभग 9 बज रहे हैं, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी, राइट? तो मैं आपको जैसे ही मीटिंग का आउटकम होगा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि आज मीटिंग होने वाली, ये सब आपको पता होगा। वीडियो बनाने का पर्पज अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्या से क्या हो सकता है तो किस तरह का प्राइस मूवमेंट आएगा। आप सबको मालूम है कि ये डेप्ट के थ्रू, राइट, ये फंड रेजिंग की बात चल रही है, डेप्ट के थ्रू पैसा उठाने की बात चल रही है। डेप्ट के थ्रू ही क्यों पैसा उठाया जाएगा? अभी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब, चूंकि कोरोना काल में ग्रोथ वगैरह हो नहीं रही है मार्केट में, चूंकि सभी लॉकडाउन है, बंद है, तो उसके चक्कर में ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डाला हुआ है, कि पैसा देने के लिए, ऐसे कि आप जो है लोन लीजिए ऐसे करके। तो चाहे वो छोटे एमएसएमई हो, चाहे सिडबी के थ्रू हो, चाहे और भी तरीके हैं उनके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, तो इसमें सस्ते लोन उपलब्ध है, यस बैंक इस चीज का फायदा उठाएगा।
अब मैं सिनेरियोज बता रहा हूँ। केस वन, केस वन क्या होगा कि 10,000 करोड़ रुपए अगर उठाया जाता है, राइट, 10,000 करोड़ रुपए पहली पॉसिबिलिटी है, 10,000 करोड़ रुपए उठाया जाता है लगभग, ये आप मान के चलिए 7-8% ब्याज से, राइट, 8-9% की ब्याज से, राइट। तो यस बैंक के लिए कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी यस बैंक इसके लिए तैयार है। अगर 10,000 करोड़ रुपए जुटा लिया जाता है तो यस बैंक 20 से 25% ग्रोथ के लिए तैयार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? केस दो है 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ भी उठा लिया जाता है तो कम से कम 20 से 25% की ग्रोथ होगी, लेकिन अगले 1 साल तक होगी। मतलब अगर 10,000 करोड़ उठाया जाता तो अगले 2 सालों तक के लिए हो जाता, 5,000 करोड़ रुपए 1 सालों के लिए। देखिए, इनके सीईओ ने एक बोला हुआ था कि यस बैंक में उनके पास पैसा है, फंड रेजिंग की जरूरत नहीं है, पहले बोला था, बट 15% तक की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए है। अगर उनको मार्केट में ऐसा कुछ दिखता है इंडियन मार्केट में कि 20 से 25% ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो फंड रेज करेंगे। सेम वो फंड रेज करने जा रहे हैं और सेम जो है मेरा मानना है कि 10,000 करोड़ रुपए तक वो उठा ले जाएंगे, राइट। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी निकल के आ रही है कि ये सिटी बैंक का जो बिजनेस है इसके लिए भी यस बैंक लगा हुआ है, और ये पैसा भी चूंकि बिजनेस लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एसेट मिलेगा तो कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, राइट। तो उस पेमेंट के लिए भी यस बैंक जो है पैसे उठा रहा है। सो देखना होगा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 बजे तक, 5 PM तक यस बैंक की बोर्ड मीटिंग का एक आउटकम आने वाला है, और उसके बाद हम उस आउटकम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों तैयार रहिएगा, लगभग लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लगभग पैसा उठने वाला है। डायरेक्टली इन्होंने जो बोर्ड मीटिंग में बोला हुआ था, राइट, कि 10 लगभग 10 जून को बोर्ड मीटिंग है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए, तो लगभग लगभग ऐसा अंदाजा है कि ये उठ जाएगा। दोस्तों, आज ही की डेट में और कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। देखिए, यस बैंक शिफ्ट बेस रिलायंस इंफ्रा हेडक्वार्टर्स। सो ये दोस्तों आपको न्यूज पहले ही, 1 महीने पहले न्यूज आई थी, बट अभी लेटेस्ट न्यूज है, देखिए जून 10 की है, कि अगले हफ्ते मतलब ये सैटरडे संडे को पूरा का पूरा अपना सामान जो भी है लेके नए वाले ऑफिस में शिफ्ट कर जाएंगे, और जो रिलायंस इंफ्रा वाला ऑफिस था अभी इनका खुद का ऑफिस बन गया है। अभी ये दोस्तों लीज पे रह रहे हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग का जो एक कॉम्प्लेक्स है उस पे, बट ये लीज पूरा कैंसिल करके अब जो है अपने खुद के ऑफिस रिलायंस इंफ्रा वाले ऑफिस में शिफ्ट कर जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये आज की डेट में बहुत बड़ी खबर है, ये भी पुश है, प्लस हर जगह न्यूज चैनल में यही चल रहा है आज की डेट में क्या होगा। सो दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा आज के लिए, राइट। आज के लिए आपकी तैयारी बहुत कमर कस के होनी चाहिए, क्योंकि धमाका तगड़ा होगा, राइट, धमाके की गूंज दूर तक सुनाई देगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, शाम के टाइम तक रिजल्ट आ सकता है, तो ये आप तैयार रहिएगा। आप इतना दिमाग में रहिए, 10,000 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा विदाउट इक्विटी डायल्यूशन, राइट। सो ये चीज दीजिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।